आ जाओ बालको, जो 72 क्वेश्चन है अपना वो है, क्या कह रहा है कि देखो ये ट्रायंगल बना रखी, पहले इसको बना देते हैं, ठीक है? देखो अच्छा लगेगा तुम्हें, मिलके करते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर एसर चार्ज 2 क्यों, कितना है 2 क्यों, बोलो पक्की बात है? ठीक है, क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीन चार जैसे अरेंज है, डाइपोल मोमेंट का सवाल है, तो इस कॉम्बिनेशन का क्या बताना है, डाइपोल मोमेंट बताना है अपने को, इस कॉम्बिनेशन का क्या बताना है सर, डाइपोल मोमेंट। देखो मिलके करते हैं, ठीक है, सुनो अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो 2q चार्ज, हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दो सेम चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, डायरेक्शन किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ, बोलो पक्की बात है? माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर बीच में डी दूरी है तो बेटा डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का आता है पी इक्वल टू क्यू डॉट डी, एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम माइनस चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ये बातें हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, शाबाश अच्छी बात है। देखो तो सर 2q चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू, 2q चार्ज को क्यू क्यू दो बार लिख सकते हैं, क्यू प्लस क्यू 2q होगा, तो देखो ये माइनस क्यू एक क्यू ये हो गया, ये माइनस क्यू और एक क्यू ये हो गया, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो थोड़ा क्यू को क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो क्या आ जाएगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम माइनस से प्लस की तरफ इधर, पक्की बात है, इसको मैं नाम देता हूं P1 डाइपोल मोमेंट आया, क्लियर है? इसके कारण माइनस क्यू प्लस क्यू किधर आएगी बेटा, ये डायरेक्शन आ जाएगी सर, क्या आ जाएगा P2, क्या आ जाएगा P2, तो बेटा जो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट, अपने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ रखा है, किधर से आएगा, इनके मिड से, उसको क्या नाम देते हैं बेटा, P नेट, तो जो रिजल्टेंट आएगा, P रिजल्टेंट बोलो, P नेट बोलो, क्या आएगा सर, रूट P1 स्क्वेयर प्लस P2 स्क्वेयर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, और बेटा कोस थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल है सर, P1 और P2 के बीच में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P1 एंड P2 सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 तो ये भी 60, तो थीटा क्या है सर 60 डिग्री है सर, कितना है सर 60 डिग्री है सर। P1 P2 क्या है, देखो P1 क्या आएगा बेटा, इनके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, हम मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ दे रखा है डाटा, कोई दूरी नहीं दे रखी, तो इनके बीच में दूरी मान लेते हैं डी है, क्या है डी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी दूरी इक्वल होंगी, तो बेटा P1 क्या आएगा, देखो P1 ये वाला माइनस क्यू प्लस क्यू, क्यू चार्ज है, कितनी दूरी है बीच में डी, सेम ऐसे ही, तो P1 आ जाएगा सर QD, और P2 भी इसी तरह के आ जाएगा बेटा QD, तो P1 इक्वल है किसके, P2 के, दोनों क्या है सर QD है, तो बस सोल्व करना है, देखो तो P नेट आ जाएगा बेटा रूट P1 P2 एक दूसरे के इक्वल है, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा 2P स्क्वायर, ठीक है, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू मान लेते हैं किसके, P के, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P के इक्वल हमने मान लिया, ठीक है भाई शाबाश अच्छी बात है। देखो 2P स्क्वायर प्लस 2P1 P2 को P स्क्वायर कोस थीटा, बोलो क्लियर है, ठीक है सर, तो P नेट आ जाएगा बेटा यहाँ से 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, 2P स्क्वायर को बाहर ले आता हूँ, रूट से बाहर आएगा तो बाहर आ जाएगा रूट 2P, और अंदर बचेगा सर 1 प्लस कोस थीटा, शाबाश भाई बहुत अच्छी बात है, इसको मैं मिटाता हूँ, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा, जीवन का आनंद आएगा कि सब्जेक्ट में पढ़ गए हम, है ना, सुनो रूट टू आ जाएगा अपने पास, पी क्या है बेटा डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, रूट 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिखते हैं 2 cos² θ/2, 2 cos² θ/2 क्या होता है बेटा 1 प्लस कोस थीटा होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री से पता है आप लोगों को, मुझे पता है, तो रूट 2 P, रूट से बाहर ले आएंगे तो 2 का क्या बन जाएगा रूट 2, और cos² θ/2 से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ जाएगा सर cos θ/2, तो P नेट क्या आ जाएगा सर रूट 2 इंटू रूट 2, क्या आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2, पी क्या है Q इंटू डी, cos θ/2, cos थीटा कितना है 60, तो θ/2 क्या होगा 30 होगा, तो P नेट आ जाएगा सर 2Q डी cos 30, व्हाट इज cos 30 सर रूट 3 बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया, तो P नेट जो आया सर वो आया रूट 3 क्यू डी, और डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ना, मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया रिजल्टेंट का रूट 3 क्यू डी, और डायरेक्शन किधर है बेटा, ये वाली डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द ट्रायंगल, अवे फ्रॉम द
ट्राइंगल। बोलो पक्की बात है, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थ्योरी का बहुत अच्छा यूज हो रहा है इसमें, तो शाबाश। स्क्रीन पॉज करके इस सारे को क्या करो, नोट करो। थैंक यू।